तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? तो यार, आज मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जो कि है, आप जितने भी ऑप्शंस पिक्सार्ट में, लाइटरूम में और स्नैपसीड जितने भी फोटो एडिटिंग ऐप्स है, उन सभी में अलग अलग से ऑप्शंस रहते हैं। तो उन सभी ऑप्शंस को मिलाकर एक एप्लीकेशन है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो। लाइटरूम के जैसा कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, पिक्सार्ट के जैसा बैकग्राउंड चेंज करके आप जो भी करना चाहो सब कुछ इस एप्लीकेशन में कर सकते हो। ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, नियॉन इफेक्ट्स दे सकते हो, नियॉन रिंग्स दे सकते हो, विंग्स ऐड कर सकते हो, सब कुछ इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं यार वीडियो की तरफ। पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर में और वहां पर हमें सर्च करना होगा पॉलिश ऐप, पॉलिश फोटो एडिटर। तो इस तरह से दिखेगा वो ऐप, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूं। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। तो यहां पर हमारा ऐप ओपन हो चुका है। देन हम इसको क्या करेंगे, यहां पर फोटो दिख रहा होगा, यहां पर कॉलेज दिख रहा होगा और यहां पर कैमरा दिख रहा होगा। आप अपनी गैलरी से चाहो एडिट कर सकते हो या फिर कैमरा से आप फोटो क्लिक करके चाहो एडिट कर सकते हो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फोटो चूज करेंगे एक फोटो को। तो मैं इस वाली फोटो को सेलेक्ट करता हूं। देन आप देख सकते हो कि हमारी फोटो यहां पर इंपोर्ट हो चुकी है। देन पहला वाला ऑप्शन है जो है वो क्रॉप का ऑप्शन है। ये तो सबको पता ही होगा, आप चाहो अपनी फोटो क्रॉप कर सकते हो, ये सबको पता ही है, वर्टिकली इन्वर्ट कर सकते हो, ये सबको पता होता है। देन नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो फिल्टर होता है। ये जो है हमारी फोटो में हम जो भी फिल्टर चाहे कुछ फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, फोटो को कुछ बढ़िया इफेक्ट दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं ब्राइट किया हूँ, स्टोरी, नेचुरल, इस तरह से कई सारे फिल्टर्स हैं। आप जो भी चाहो उसको रख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट फिल्टर। देन यहाँ पर एडजस्ट है, इसमें कर्व्स आता है, कर्व टूल आ जाता है। देन यहाँ पर एडजस्ट पर जाकर फिर से HSL, ये जो होता है लाइटरूम एप्लीकेशन में होता है, तो ये भी आप इसी ऐप में कर सकते हो। लेकिन आपको इसको प्रो वर्जन डाउनलोड करना होगा। प्रो वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं वो आपको मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा लाइटरूम में हम कर सकते हैं उसी तरह से इस एप्लीकेशन में भी हम कर सकते हैं। देन इस तरह से देख सकते हो आप किस तरह से कलर चेंज हो रहे हैं। तो जैसा हम लाइटरूम में कर सकते हैं सेम डिट्टो उसी तरह से इस एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। देन इसको बैक जाते हैं। देन नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो एडजस्ट है, इसमें हम ब्राइटनेस सब कुछ इंक्रीज कर सकते हैं, ब्राइटनेस, हमारा सैचुरेशन, हमारा कॉन्ट्रास्ट सब कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। देन थर्ड वाला जो है ये है, ये है बहुत बढ़िया इफेक्ट है, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन। यहाँ पर लाइट इफेक्ट्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ देख सकते हो आप किस तरह से लाइट इफेक्ट्स आ रहे हैं। इस तरह से कई सारे ऑप्शन है, आपको जो भी अच्छा लगे वो रख सकते हो। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर ये वाला नियॉन है, ये वाला बहुत ट्रेंडिंग चलता है फोटो एडिटिंग्स में। यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ भी एरेज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। इस तरह से आप जो भी चाहो, जो भी इफेक्ट चाहो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से हमने ऐड कर लिया है, हमको कुछ भी नहीं करना, हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमको जो भी इफेक्ट चाहिए उसको क्लिक करना होगा। आप देख सकते हो बस हमें जूम कर लेना होगा और सेट कर लेना होगा। तो इस तरह से हमें पिक्सार्ट में बहुत सारा काम रहता है, तो यहाँ पर बहुत इजी से हो जाएगा। तो इसको हम डन कर देंगे। देन फिर नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो फिट है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, कलर वाले बैकग्राउंड दे सकते हैं, जो भी चाहिए वो दे सकते हैं। तो ये भी ईजी हो गया। देन फिर बैक जाते हैं। देन यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हमको जो भी लिखना होगा वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इधर हमारा नाम जो भी होगा वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाजू जो है स्टिकर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप स्टिकर से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर सनग्लासेस, जो भी आपने फोटो को स्टिकर ऐड करना चाहते हो वो सभी स्टिकर्स आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हो। देन उसके बाजू जो है वो है ब्लर वाला ऑप्शन। ये जो है अपनी फोटो को, अपनी बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली ब्लर कर देगा। ये देख सकते हो पहले ऐसा था, ये फोटो पहले से ही ब्लर है, फिर भी थोड़ा ब्लर कर दिया है। आप देख सकते हो किस तरह से एक बढ़िया महंगा DSLR का लेंस वाले का इफेक्ट दे रहा है। इस तरह से आप ब्लर को चाहे तो इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये हो गया ब्लर वाला ऑप्शन। यहाँ पर ऐड है, हम ऐड फोटो भी कर सकते हैं, इधर ऐड भी फोटो कर सकते हैं, तो ये भी हो गया। देन ड्रॉ है, इधर आप कुछ ड्रॉ कर सकते हो अपनी मर्जी का। देन ये डबल एक्सपोजर हो गया, जैसे हम स्नैपसीड में हमारा डबल एक्सपोजर है उस तरह से इधर भी डबल एक्सपोजर है।
हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हमारी फोटो को बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देन ये मेन वाला ऑप्शन है कटआउट वाला ऑप्शन, ये सबसे बढ़िया वाला ऑप्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट और ईजी ऑप्शन ही है। तो यहाँ पर कटआउट पर सेलेक्ट करके हम ए आई पर क्लिक करेंगे तो अपना बैकग्राउंड जो था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हो अपना बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ ए आई पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अपना बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है, देन इसको बैक कर देंगे। देन इसके बाद मिरर है, ये तो कोई यूज़ नहीं करता, फिर भी आपको अगर अच्छा लगता है तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अपने कुछ ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, डबल इफेक्ट्स, मिरर इफेक्ट्स, देख सकते हो ये सब आप क्रिएट कर सकते हो। देन इसको भी बैक कर देते हैं। देन बस इतना ही था ये ऐप, बहुत बढ़िया ऐप है, मस्त मस्त तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो, आपको कई तरीके के ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऐप में आप सब कुछ कर सकते हो, आपको लाइटरूम, पिक्सआर्ट, स्नैपसीड सब कुछ डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, आपको कई बहुत सारी मेहनत नहीं लगेगी। तो अगर आप एक बिगिनर हो एडिटिंग में, आप एडिटिंग सीखना चाहते हो तो आप इस फोटो एडिटिंग ऐप से बहुत ही अच्छी तरीके से एडिटिंग सीख सकते हो। तो यार वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बता देना, कमेंट कर देना इस वीडियो के बारे में, और इस वीडियो का इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन कैसा डाउनलोड करते हैं वो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।